महाराष्ट्र जाने वाले थे, क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र वहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया और कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी कोविड के, उससे और परमिशन वहाँ पे अधिकारियों ने नहीं वहाँ पे दी कोई भी मीटिंग की कोविड के चलते, तो इसलिए नहीं वहाँ पे हम जा पाए। सर, क्या कोविड के चलते परमिशन नहीं दी गई है, क्या और कारण आप मानते हैं? कोविड का रहा, कोविड का ही वो बताते रहे अधिकारी हैं। सर, कल एक हवाल किया था जिसमें आपने कहा था कि किसान अपनी फसल को बर्बाद करती है, ये कहा है कि 7 बीघे जमीन किसान ने ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, जिस हिसाब से उसकी कीमतें गिरी है, ठीक है, तो कीमतें बहुत स्पीड से गिर रही है अभी, और यही तो लड़ाई है भाई। आज भी हजारों ट्रक हर रोज धान उत्तर प्रदेश और बिहार से सेल रूप जा रहा है और वो 700 से 900 रुपए की खरीद पर जा रहा है और महंगे दामों पर बेचा जा रहा, तो अगर कीमतें किसानों को मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो समस्या है। आप महाराष्ट्र जाने वाले थे, क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र वहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया और कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी कोविड के, उससे और परमिशन वहाँ पे अधिकारियों ने नहीं वहाँ पे दी कोई भी मीटिंग की कोविड के चलते, तो इसलिए नहीं वहाँ पे हम जा पाए। सर, क्या कोविड के चलते परमिशन नहीं दी गई है, क्या और कारण आप मानते हैं? कोविड का रहा, कोविड का ही वो बताते रहे अधिकारी हैं। सर, कल एक हवाल किया था जिसमें आपने कहा था कि किसान अपनी फसल को बर्बाद करती है, ये कहा है कि 7 बीघे जमीन किसान ने ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद कर दिया, फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, जिस हिसाब से उसकी कीमतें गिरी है, ठीक है, तो कीमतें बहुत स्पीड से गिर रही है अभी, और यही तो लड़ाई है भाई। आज भी हजारों ट्रक हर रोज धान उत्तर प्रदेश और बिहार से सेल रूप जा रहा है और वो 700 से 900 रुपए की खरीद पर जा रहा है और महंगे दामों पर बेचा जा रहा, तो अगर कीमतें किसानों को मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो समस्या है। आप महाराष्ट्र जाने वाले थे, क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र वहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया और कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी कोविड के, उससे और परमिशन वहाँ पे अधिकारियों ने नहीं वहाँ पे दी कोई भी मीटिंग की कोविड के चलते, तो इसलिए नहीं वहाँ पे हम जा पाए। सर, क्या कोविड के चलते परमिशन नहीं दी गई है, क्या और कारण आप मानते हैं? कोविड का रहा, कोविड का ही वो बताते रहे अधिकारी हैं। सर, कल एक हवाल किया था जिसमें आपने कहा था कि किसान अपनी फसल को बर्बाद करती है, ये कहा है कि 7 बीघे जमीन किसान ने ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद कर दिया, फसल को बर्बाद ये कर दिया कि भाव नहीं उसको मिल रहे, वो वेजिटेबल सर या कोई चीज थी तो भाव नहीं मिल रहे, जिस हिसाब से उसकी कीमतें गिरी है,